अब मेरा टेंशन एक ही है कि जो साउंड है वो कैसा आ रहा होगा वीडियो में। और एक और प्रॉब्लम पता है क्या हो गया, गाड़ी पलट गई है भाई पूरा। बाइक वाले ने पैसा दिया कि नहीं दिया, इतने लोगों को बाइक दिलवाई नहीं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो हैप्पी संडे। सो भाई साहब, हम लोग निकल चुके हैं एक प्यारा सा संडे राइड के लिए। तो आज मैं जा नहीं रहा हूँ अकेला, मेरे साथ जा रहा है राहुल भाई, जिनको आपने देखा था लास्ट जो हम कहाँ गए थे, हाँ मलप्पाकोंडा गए थे। तो वहाँ पर भाई गया था मेरे साथ, तो वो ना भाई आ चुका है, मैं हो गया थोड़ा सा लेट। चलो अब मिलते हैं और निकलते फटाफट। मॉर्निंग भाई, क्या हाल चल रहा है? कब आए? कल रात को। कल रात को आके? बढ़िया यार, रात को आके सुबह राइड। हाँ मतलब संडे, मतलब संडे फ्राइडे मिल रहा है, सुबह 4 बजे संडे आ गया था। हाँ ऐसे पूरे दिन अपना संडे वेस्ट ही कर रहा भाई। सही बात है। चलो यार, चलो भाई। ओ भाई संडे हो यार, राइड ना करो ऐसा कैसे हो सकता है भाई। संडे है तो राइड तो निकलना पड़ेगा ना। और आज मेरा तबीयत इतना ख़राब है ना, मैं क्या बताऊँ। पूरे रात को हल्का सा फीवर था और सुबह जैसे उठा भाई साहब, जो गले में दर्द है ना, पूरा टॉन्सिल हो रखा है। तो मैं पहले सोच रहा था कि यार नहीं जाएंगे, फिर सोचा नहीं भाई, जब बोल दिया है तब तो जाना पड़ेगा। और संडे भाई कुछ भी हो या राइड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संडे रोज़ रोज़ थोड़ी ना आएगी। क्या कहते हो? बहुत टाइम बाद ना इस रूट पर आ रहा हूँ, बहुत दिन बाद। मतलब इतने दिन से जहाँ तक भी जाते थे कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये रूट से आ रहे हैं, बहुत टाइम बाद इस रूट पे आ रहा हूँ। और वेदर बहुत मस्त हो रहा है यार, देख के लग नहीं रहा कि आज ज़्यादा धूप होगा, ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि मेरा हालत थोड़ा सा ख़राब है भाई। आप लोग आवाज़ से समझ ही रहे होंगे शायद, गले में बहुत ज़्यादा दर्द है और मैं इसीलिए टॉप बॉक्स लाया और एक ना गर्म पानी बना के लेके आया हूँ कि कहीं पीना पड़ेगा तो गर्म पानी पीऊँगा, ठंडा पानी पी लिया तो मतलब ख़त्म आज। आवाज़ नहीं निकलेगी गले से फिर। तो आप लोगों के सजेशन सुनने के बाद ना मैं अब सोच रहा हूँ कि यार वाइज़र जो है नहीं लगाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई लोग, आप लोग ये बोल रहे हो कि भाई मत लगा वाइज़र क्योंकि लुक ख़राब हो जाएगा और सामने से देखने में भी जो है थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो ठीक है, मैं सोचा कि रहने देते हैं, जैसा आप लोग बोलो। मैं पहले ही बोला था आप लोग जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप लोग ये व्यू देखते हो, आप लोगों को अच्छा लगना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को ये अच्छा ना लगे व्यू, तो वो चीज़ करने के में कोई मतलब नहीं बनता। तो ठीक है, अब नहीं करते हैं। ओ भाई, इतने गलत रूट से आ गए ना हम लोग, क्या बताएं आप लोगों को। ओ भाई साहब, देख लो टाइम हो गया 7:30 बज गया, पिछले 1 घंटे से हम लोग बस कितना किया है, 25 किलोमीटर कर पाए। ओ भाई क्या ट्रैफिक है, हाँ दिमाग ख़राब हो गया था भाई इतने देर ट्रैफिक के अंदर। आई होप कि धीरे धीरे थोड़ा सा ठीक हो जाए। और यार बहुत गलत रूट ले लिया हम लोगों ने, बहुत गलत। ऐसा लग नहीं रहा कि संडे राइड है, जैसा रोड कंडीशन है वैसा ही गलत ट्रैफिक है भाई। तो भाई यहाँ पे रुकते, थोड़ा सा चाय वगैरह पीते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर चलते हैं। हालात बहुत ख़राब हो चुकी है भाई। हाँ चलो भाई चाय पीते हैं। 1.5 घंटे से चला तो रहे बट पहुंच नहीं पाया कहीं, यह है सीन। हाँ दिमाग ख़राब हो गया यार।
A few moments later. चलो बॉस, ब्रेकफास्ट तो हो गया किसी तरह. मतलब इतना खराब दिन है ना, क्या बताऊँ. इतना गंदा था, मतलब हमने डोसा और इडली मंगाए थे बस, बट इतना गंदा खाना था क्या बताऊँ. डोसा तो खा ही नहीं पाए, फेंका गया पूरा. किसी तरह से इडली और चाय पी के निकल रहे हैं. और एक और प्रॉब्लम पता है क्या हो गया, अभी मैं हेलमेट पहन रहा था तो देखा जो माइक है ना गोप्रो वाला, माइक का जो स्पॉन्ज है वो नीचे गिर गया है कहीं, मतलब कहीं गिर गया है. अंदर देखा वो तो स्पॉन्ज था नहीं. तो अभी जो वॉइस आ रहा होगा ना, आई डोंट नो कैसा वॉइस आ रहा होगा यार. दिन ही ख़राब है आज का. पता नहीं, अगर देखूंगा अब घर जाके ही पता लगेगा जब वीडियो चेकआउट करूंगा मैं कि कैसा आ रहा है साउंड. अगर ज़्यादा मतलब बुरा आता है तो भाई करना पड़ेगा, फिर से ख़रीदना पड़ेगा एक माइक, और क्या करे. ये देखो सामने एक स्पीड, बहुत सारे राइडर लोग जा रहे हैं अभी इस रूट पे. मतलब एक इंटरसेप्टर है, एक निंजा 350 है, और ये सामने एक स्पीड जा रहा है. Gazing up at the sky, when the stars began to fade, dimming lanterns in our eyes, thought there was nothing to find. Oh, भाई हल्की हल्की जो है बारिश हो चुका है चालू, साथ साथ धूप भी है. गजब सीन है भाई. बट मुझे लग रहा है कि आज बारिश होने वाला है. राइड की आ जाएगी पूरा स्वाद. तो हम लोग रुके थोड़ा सा चाय ब्रेक के लिए, और देखो यार दो बाइक क्या मस्त लग रहा है, दोनों सेम सेम कलर पे. और यहाँ पे चाय लिया जा रहा है, और यहाँ पे देखो इसको भी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कराया जा रहा है. चलो चाय पीते हैं फिर निकलते हैं. अभी तो रोड थोड़ा सा ठीक भी है फिर भी, और मौसम भी मस्त हो रहा है देख सकते हो, ज़्यादा मतलब ज़्यादा धूप नहीं है. चलो चाय पीते हैं फिर निकलते हैं. चलो चाय पी लिए भाई, अब निकलते हैं. आपका ही रुकना नहीं है, बस 45 किलोमीटर से बचा है, सीधा जाके उधर ही रुकेंगे अब. तो यार आप अगर वीडियो देख रहे हो ना, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर से करना. और एक और रिक्वेस्ट करूँगा भाई, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लो. मैं नीचे जो है लिंक दे दूँगा अपना, और स्क्रीन पे भी आपका आ रहा होगा अपना जो हैंडल है. तो प्लीज़ प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, वहाँ पे लाइव अपडेट्स सारे आते रहते हैं. अब मेरा टेंशन एक ही है कि जो साउंड है वो कैसा आ रहा होगा वीडियो में, क्योंकि मेरा जो माइक का वो स्पॉन्ज था वो तो गिर गया भाई. नाउ आई डोंट नो कैसा साउंड आ रहा होगा. अरे भाई यहाँ पे ट्रैफिक देखो यार, कोई एक्सीडेंट हो गया शायद. अरे भाई साहब गाड़ी पलट गई है भाई पूरा. ओ माय गॉड, होपफुली भाई जो लोग चला रहे थे सब सेफ हो. ये रहा, कितना बेहतरीन लग रहा है देख रहे हो, बहुत ही बेहतरीन. बहुत सारे बाइक्स आ रखे भाई. चलो इधर ही पार्क करते हैं, फिर चलते हैं हम लोग अंदर, देखते हैं कैसा है म्यूजियम. ये बहुत कोशिश हो रही है यहाँ पे सामान रखने की, हमने भर दिया पूरा. भाई बीमार है हमारे, ये बोतल लेके आए हैं गर्म पानी की तकड़ी वाली, लेकिन भाई आपके लिए फिर भी कंटेंट बना रहे हैं. सब्सक्राइब करो यार, इस बात पे सब्सक्राइब करो यार, एक लाइक तो कर दो यार कसम से. बड़े तुम सारे स्टिकर लगा लिए, जितने मिले थे सब जगह लोगों से छीन छीन के लगाया क्या तुमने? नहीं ये तो खरीदा मैंने, कल लगाया ये वाला है ना, ये दो तीन खरीदा है. खरीदा कहाँ से? खरीदा निकल भी गया लगा दे, अमेज़न से लिया है.
नहीं नहीं कुछ वंडर लूम करके। अच्छा अरे वंडर लूम यार, वो कपड़े भी अच्छा बनाते हैं। ठीक है भाई, लॉक नहीं ले गए थे, प्रॉपर जुगाड़ हो गया है। ये क्या है, पता नहीं लगा हुआ यार बहुत टाइम से, तो क्या निकाल दूँ? हाँ हटा दे, हटा दे, कोई दिक्कत नहीं। अभी गोप्रो का यार। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, पैक हो गया पूरा, चल रहे हैं यहाँ पे। आज ब्लॉग हाईजैक हो गया भाई का, भाई बीमार है ना। हाँ। भाई ने मेरे को रखा आज ब्लॉग बनाने के लिए। बट क्या लग रहा है यार, बहुत प्यारा लग रहा है, दूर से दिख रहा था वो, पता है हाईवे से तब दिख रहा था। प्राइम वाले ने पैसा दिया कि नहीं दिया? इतने लोगों को बाइक दिलवाई तुमने? बहुत लोगों को यार, शिवराज में कितने लोगों को भेजा पता है? प्राइम वाले को बोलो पैसा देने दूंगा, पैसा आएगा फिर नई बाइक ले लेंगे। दूसरे ब्रांड का टाइगर ले लेंगे, दूसरे ब्रांड नहीं टाइगर ले लेंगे। अरे टाइगर ले लेंगे, ठीक है ठीक है। चलो भाई अंदर चलते हैं, यहाँ पे एंट्री लिखा है 50 रुपीज। अच्छा टिकट से यहाँ से लेना है पहले, लेट्स गो, पहले टिकट लेते हैं। चलो टिकट अपना आ चुका है, और यहाँ पे देखो यार क्या बेहतरीन, वाओ देखो क्या प्यारा कार है भाई। सो अपना एंट्री तो बढ़िया हो रहा है, जाते हैं अंदर फिर देखते हैं। ये देखो एंट्री लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है, ये स्टार्टिंग है ना, पहले ऐसे बनाया गया था। ओके 1000 BC तो उल्टा पीछे की साइड में ना ज़्यादा होता था। हाँ हाँ आ गया एकदम 1000 BC में, 10000 BC भाई। ये अभी ताज़ा कटा है। हाँ ऐसा होता, ऐसा होता था। घुमा सकते हैं इसको? नहीं भाई। तो देखो ये यहाँ से स्टार्टिंग हुआ था जर्नी अपनी। ऐसे हमारा यूट्यूब चैनल शुरू हुआ। हाँ देख लो गाइस कितना बड़ा करना है, तो उतना लाइक कर दो भाई सब। ये क्या है, पुराने अलॉयज है क्या? लगा दे टाइम पे लगा। और ये देखो भाई साहब ये बेहतरीन है, ये कुछ बुल कार्ट वगैरह है उस टाइम पे, देख रहे हो यहाँ पे बैठने की जगह हुआ करता था, और यहाँ पे बुल वगैरह या फिर हॉर्सेस पता नहीं जो भी होगा। एंड सी दिस, ये थोड़ा सा रॉयल लग रहा है, ये भी आई गेस दिस इज फॉर द हॉर्सेस, आई गेस ये घोड़ों के लिए है शायद, इंसान किसता था वहाँ का समझ नहीं। कोलकाता में अभी भी खींचता है ना, अभी है अच्छा, ये बहुत हाँ अनसेफ लगता है यार, और एक बंदा खींच रहा है वैसे। हाँ ये सब तो अभी है, खेत में गाँव में ये सारी चीज़ें अभी हैं, ये नहीं है फीएट। क्या मस्त करे भाई, अगर ये चलाने को मिलता ना एक बार मज़ा आ जाती भाई, ये सब चलाने का क्या मजा आता होगा यार। लाइट्स देखा, टाइम वाले को दिखाओ, एग्जैक्टली ये कौन सी है भाई? ओ साहब फ्रेजर, पता नहीं कहाँ का ब्रांड है ये, लोगों देख रहे हो क्या प्रीमियम है, बहुत ज़्यादा ही प्रीमियम लग रही है गाड़ी। तो यहाँ से वाइपर आता था, ओह अच्छा उसमें भी था वाइपर, कैसा वाइपर था ये तो गजब लग रहा है, कितना बड़ा होता था यार, कितना बड़ा लेंथ, ह्यूज लेंथ है। ओनर ऑफ दिस कार kind of. भाई ये बहुत प्यारा लग रहा है, कंपनी में लिखा तो होगा कहीं ना कहीं। अच्छा पता नहीं यार, 343 Nm ऑफ टॉर्क भाई साहब, 5460 cc 8 सिलेंडर,
ब्रो दिस इज 8 सिलेंडर कहां दबा रहे थे किससे लगा रहे थे मतलब एग्जैक्टली exactly, भाई मे बी क्या पावर होते थे इन गाड़ियों का फिर 340 ये तो कुछ रॉयल लग रहा है क्योंकि ये जो लोगो वगैरह लगा हुआ है ना पीछे है ना ये सारे रॉयल का क्या बेहतरीन लग रहा है भाई ये गाड़ी मतलब दिल छू गया एकदम अपने उस पे आते हैं अपने जॉनर पे अपना जॉनर पे आते हैं चेतक चेतक राजदूत राजदूत ये बहुत आइकॉनिक है मेरे बचपन में स्कूल में एक टीचर थे जिनके पास ये बाइक था हाँ ये देखो यार कितना बेहतरीन से एक बना हुआ था भाई साहब बट ये थोड़ा और अच्छा बाइक ला सकते थे यार जो जंग लग गया पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए ये तो अभी भी चलता है इससे बहुत अच्छे कंडीशन में बाइक है इसलिए कोने में खड़ा कर दो एक बीच में खाली छोड़ दो अपने इधर खड़ा कर दे क्या बेहतरीन गाड़ी है भाई कितना प्रीमियम था अगर इंटीरियर भी आप लोग देख पा रहे हो पता नहीं देख रहे हो कितना प्रीमियम इंटीरियर था भाई कितना प्रीमियम इंटीरियर था अब आ गया गन्स ये देखो आर्टिलरी पुराना टाइप की गन्स भाई लुक एट दिस गन क्या गजब था ये सी दिस ये देख रहे हो ये शायद अम्ब्रेला के अंदर हुआ करता था ये वाला अच्छा हुआ भाई यहाँ पे आके तो भाई हम लोग बस बाहर आ गए और अभी टाइम 11 बज रहा है तो चलेंगे अभी घर की तरफ देखेंगे कहाँ खाना खाना है तो ज़्यादा लेट हुआ तो क्या करना है कहाँ खाना है खाना फिर रुकते बाहर करेंगे तो भाई बस हम निकल रहे थे तो यहाँ पे दोनों बाइक खड़ा करके एक बढ़िया सी फोटो ली गई देखो यार क्या मस्त लग रहा है दोनों सेम कलर की बाइक और यहाँ पे राहुल भाई जो है फोटो खींच के दे रहा है एक भाई के लिए और देखो यार क्या मस्त लग रहा है भाई सच में यार ऑसम प्यार आ जाता है जितने बार भी देखो इस बाइक को चलो अगर फोटो देखना है फटाफट जाके इंस्टा पे फॉलो कर लो और बस हम निकलते हैं अब यहाँ से और देखेंगे कितना टाइम लगता है ऑलमोस्ट 2.5-3 घंटे तो लग ही जाएगा लग रहा है।